गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बेटा, हमने अपना माई इंग्लिश टीटर का लेसन नंबर जो 11 है वो कंप्लीट किया है। तो आज हम बेटा इसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। लुक एट योर बुक, दिस इज पेज नंबर 45। तो फर्स्ट वन है, डू इट योर सेल्फ, ट्राइंग टू फाइंड वो साउंड वर्ड इन द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड एंड राइट अप्रोप्रिएट वर्ड अंडर ईच पिक्चर गिवन गिव बिलो। इसमें आपको बेटा इन पिक्चर्स के नेम फाइंड आउट करने हैं। पहले उनको आपने इंसर्कल कर लेना है, आफ्टर दैट उनको आपने इन पिक्चर्स के नीचे मेंशन करना है कि इनका क्या नाम है। जैसे आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ वेल, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको देखने से भी पहले आप कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए। जैसे ये दिया हुआ वो WHEEL व्हील, तो आप इसको सर्कल लगाएंगे और यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। तो ऐसे ही आपने WH वो साउंड से जितने भी हैं तो आपने इसमें फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको इनके नेम बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज व्हील, सेकेंड व्हील WHEEL, नेक्स्ट दिस इज वाइट इन कलर सो वी विल राइट WHIT E Y, फोर बच्चा क्या कर रहा है, विसल, तो सो विसल जा रहे हैं ना, विसल, तो आपने लिखिए विसल। नेक्स्ट पिक्चर इज वेयर WHERE वेयर, बट भी हो सकता है, आप इसमें देखेंगे कि आपको क्या फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट वाइट WHIP वाइट, और लास्ट वन इज जब बच्चे ऐसे बात करते हैं दैट इज कॉल्ड विस्पर, विस्परिंग होता है ना, यहाँ पे आएगा विस्पर। ओके, और नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर 46 पर मूव करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। आपको ए साइड और बी साइड को मैच करके सेंटेंस मेकिंग करनी है। देखिए द किंग, किंग के साथ आप क्या मैचिंग करेंगे, ए इज सिटिंग इन द कोर्ट, सेकेंड नो वन हैज, कभी भी किसी ने क्या नहीं किया था, एवर सीन अ पिंक व्हेल, थर्ड द मिनिस्टर मेक्स, मिनिस्टर ने क्या बनाया था, अ लिस्ट ऑफ फूड्स, लास्ट वन द किंग बिकम्स, लास्ट में किंग क्या हो गया था, जब उसने लिस्ट को रीड किया था तब किंग बिकम्स वेरी एंग्री। नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द स्टोरी, यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स मेंशन की गई हैं बेटा स्टोरी की, आपको बताना है कि ये किसने कही थी ये लाइनें। हाँ जी, फर्स्ट वन, माई लॉर्ड इफ यू गिव मी 10,000 rupees आई कैन गेट यू अ पिंक व्हेल, ये किसने बोला था कि अगर आप मुझे 10,000 rupees देंगे तो मैं आपके लिए पिंक व्हेल लेकर आऊँगा। अ शॉर्ट मैन जो आया था विद वाइट बियर्ड उसने बोला था, तो हम लिखेंगे द शॉर्ट मैन सेड, तो हम इसका फर्स्ट लिखेंगे। आपने यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक लाइन मेंशन कर लेंगे, लाइन डालेंगे द शॉर्ट मैन सेड। ओके, सेकेंड डू यू थिंक ही इज एवर गोइंग टू कम बैक विद द वाइट विद द पिंक व्हेल, क्या आपको लगता है कि वो वापस आएगा पिंक व्हेल के साथ, तो ये किसने बोला था, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने बोला था उसके, क्योंकि आपको लगता है कि वो वापस आएगा। नेक्स्ट है व्हाई इज माई नेम ऑन द लिस्ट, मेरा नाम क्यों लिखा है आपने, द किंग सेड। ओके, तो बेटा ये हमारे लिए हु सेड, मूव टू द पेज नंबर 47। इधर आपके पास क्वेश्चन आंसर है जिसकी PDF आएगी आपके पास, और लास्ट में मेक सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, हेयर आर सम वर्ड्स गिवन टू यू एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन चॉइस, आपने यहाँ पर अपनी चॉइस के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सिंपल सा किंग, ही इज़ अ किंग, एंग्री, माई फादर गेट्स एंग्री, ऐसा कोई भी इजी हैं। जो बियर्ड है, बियर्ड का भी आप लिख देते हैं कि माई ग्रैंड फादर हैज़ अ वाइट बियर्ड, माई डैड हैज़ अ ब्लैक बियर्ड, इस तरह से कोई भी आप अपनी चॉइस के यहाँ पर आप इसकी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपका पेज नंबर 45, 46 और 47 आज हमने कंप्लीट किया है, तो आपने आज के लिए इतना ही करना है। ओके बेटा, थैंक यू।